इस बार वैशाख अमावस्या 8 मई 2024 को पड़ रही है। ज्योतिष आचार के अनुसार बताया गया है कि अमावस्या पर कई शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। इस दिन खासकर शनि दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार इस दिन कुछ खास उपाय करना ना भूलें। अमावस्या का दिन धर्म, कर्म, स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या पर 3 शुभ योग का संयोग बन रहा है। इससे इस दिन का महत्व 2 गुना हो जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख माह की अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष की 7 मई मंगलवार को सुबह 11:45 से आरंभ होकर अगले दिन 8 मई बुधवार को प्रातः 8:40 पर समाप्त होगी। दिन की शुरुआत उदया तिथि के अनुसार मानी जाती है, इसलिए वैशाख की अमावस्या 8 मई 2024 को मानी जाएगी। इस बार की अमावस्या पर 3 शुभ योग बनने जा रहे हैं। अमावस्या पर इस बार सर्वा सिद्धि योग, शोभन योग और सौभाग्य योग का संयोग बनने जा रहा है। इसी प्रकार सर्वा सिद्धि योग 1:35 से स्टार्ट होकर 5:30 तक समाप्त हो जाएगा। इस बार वैशाख कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो 8 मई 2024 बुधवार को होने जा रही है। इसके एक दिन पूर्व 7 मई 2024 मंगलवार को श्राद्ध की अमावस्या कहलाएगी और 8 मई बुधवार के दिन जो अमावस्या रहेगी वो स्नान दान तर्पण इत्यादि करने के लिए अति शुभ रहेगी। सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग और शोभन योग के साथ यह वैशाख की जो अमावस्या है वह होने जा रही है। यह जो दिन है पितृदोष की शांति के लिए, काल सर्प दोष की शांति के लिए अति उत्तम तिथि, अति उत्तम अवसर माना गया है। इसके साथ ही साथ दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में ऐसी मान्यता है कि वैशाख कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है उस दिन शनि जयंती भी मानी जाती है। तो शनि से संबंधित यदि हम दान मंत्र इत्यादि उपाय वगैरह करते हैं तो शनि की ढैया, 7.5 इत्यादि से भी के दोषों से भी हमको निवृत्ति की प्राप्ति होगी। तो किसी पवित्र नदी में अमावस्या के दिन हमको स्नान करना चाहिए, यथासंभव दान पुण्य करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष है तो इस दिन आपको गीता का पाठ करना चाहिए, यथासंभव श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ करें या श्रवण करें। ऐसा करने से पितृदोष की शांति होती है। गरीबों को यथासंभव अन्नदान करें और इसके साथ ही साथ पीपल में सुबह के समय जल चढ़ाएं और सायंकाल को पीपल के नीचे दीप प्रज्वलित करें। ऐसा करने से पितृदोष से संबंधित आपको शांति प्राप्ति होगी और पितृदोष से आपको शुभ और लाभ की प्राप्ति होगी। यदि शनि से संबंधित आपकी जन्म कुंडली में ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है या शनि की महादशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में भी आप यदि इस दिन काले तिल, काली उड़द, तिल्ली का तेल और जो नीले रंग का अकाव का पुष्प रहता है उसका दान करते हैं तो शनि की शांति होती है, शनि के दोषों से आपको निवृत्ति होती है। शनि के मंत्र का जाप करें और शनि चालीसा का पाठ करें, भगवान शनि के दर्शन करें। ऐसा करने से शनि के द्वारा आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और यदि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है तो इस अमावस्या के दिन आपको नाग का पूजन करना चाहिए। किसी शिवलिंग, किसी शिव मंदिर में जाकर के वहां जो शिवलिंग के ऊपर जो नाग स्थापित है उस नाग का विधिवत पूजन अभिषेक करें और जो नव नाग के नाम है उन नामों से उस नाग का पूजन करना चाहिए और हो सके तो 1 तांबे के नाग का आपको या तो दान करना चाहिए या किसी बहते जल में उसको प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से आप राहु केतु या काल सर्प दोष से जनित जो कष्ट हैं, संकट हैं, उन सब से आपको निवृत्ति की प्राप्ति होगी, आपका भाग्योदय होगा, आर्थिक उन्नति होगी।